गुड मॉर्निंग, मैं प्रशांत गहलोत, एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपना बायोफ्लॉग का एक सीरीज चलाए हुए हैं, उसी में एक सीमेंट टैंक में मछली पालन को लेके आज का विषय है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 18 महीने से कि बायोफ्लॉग को लेके कि सिर्फ फ़िश फार्मिंग आपका तारपुलिन टैंक में होगा, सीमेंट टैंक में होगा, नहीं होगा, तो अभी वो आते आते अब पूरा क्लैरिटी आ गया है कि फ़िश कल्चर इज़ पॉसिबल इन द सीमेंटेड टैंक आल्सो। तो आज का स्लाइड हमारा ही है कि फ़िश को स्टॉक करने से पहले ट्रीट कैसे करना होगा आपके सीमेंट टैंक को। तो हम चार मेथड इसमें लेके आ रखे हैं, तो आप आगे की स्लाइड में उसको देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अ सीमेंट इज़ अ बाइंडर एंड सब्सटेंस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन दैट सेट हार्डनेस एंड अडियर टू अदर मटेरियल टू बाइंड देम टूगेदर। सीमेंट जो है आपका बांधने का काम करते हैं जिस भी मटेरियल से आप बना रहे हैं, और केमिकल कंपोजिशन आप देखेंगे तो फोर मेन कंपाउंड्स उसके अंदर हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसमें कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो फिश के लिए हार्मफुल हो, पर जो कैल्शियम कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका पीएच काफ़ी हाई जाता है और हाई पीएच आपकी फ़िश की मोर्टेलिटी लेके आता है। बहुत से लोगों ने इसको फेस भी किया होगा कि जैसे ही वो अपने टैंक में स्टॉक करते हैं फ़िश, तो जनरली फ़िश मर जाता है ड्यू टू हाई पीएच। तो इसको कैसे आप न्यूट्रलाइज़ करेंगे वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज, ड्यूरेबल है आपका, लॉन्ग लास्टिंग है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, बहुत बातें होती हैं सब वीडियो में, तो दिस इज़ अ मेन पॉइंट फॉर द सीमेंटेड टैंक, इट्स अ टेम्परेचर रेजिस्टेंस। कॉस्ट इफ़ेक्टिव, अगर आपके पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी है तो डेफिनेटली इट इज़ अ कॉस्ट इफ़ेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग है। डिसएडवांटेज, ओनली वन डिसएडवांटेज इज़ हाई पीएच, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम का सोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी लाइव स्टॉक आपको इसमें स्टॉक करने से पहले आपको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा इसको। इन इंडिया बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि हमने अपने सीमेंट टैंक में कोई ट्रीटमेंट किया ही नहीं और हमारी फ़िश तो बहुत अच्छी है। तो इन इंडिया, जो हमारे भारत में है, उसमें क्या है कि जो आप लोकल सैंड यूज़ करते हैं, जैसे आप जमुना रेत या गंगा की रेत बोलते हैं, उसमें हाई सिलिका कंटेंट होता है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो आपके पीएच को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ अवर लोकल सैंड। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि हाउ टू ट्रीट। मेथड वन में क्या है कि आपका जो भी न्यूली बिल्ड टैंक है आप उसको पूरा पानी से भर दीजिए और 4 से 6 हफ्तों के लिए उसको छोड़ दीजिए। 4 से 6 हफ्तों के बाद आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे से कीड़े काई वगैरह बन जाएगा, तो वो क्या है कि पूरा एक लोकल इकोसिस्टम मेंटेन हो गया बाय नेचर, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, स्मेल उसमें आने लगेगा, लार्वा टाइप के आपको दिखाई देंगे। उस टाइम तक उसका पीएच न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि वो उस पानी के कंटेंट में आ गया है। उसके बाद आप उसको खाली कर लीजिए, पानी को वॉश कर लीजिए अच्छे से, और नया कुछ भी स्टॉक करने से पहले उसको डिसइंफेक्ट कर लीजिए KMnO4 से, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे आप लाल दवा भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में आपको 4 से 6 हफ्ते का टाइम लगेगा। मेथड टू में बहुत सारे आपने देखे होंगे साउथ अफ्रीकन वीडियोस, केनिया के वीडियो, कि वो क्या करते हैं कि फिल कर देते हैं अपने टैंक को, पूरा पानी भर देते हैं उसमें, फिर आपका काउ डंग उसमें और बनाना लीव्स, 4 से 6 हफ्तों के लिए उसको छोड़ देते हैं। उसमें भी आपका सेम इकोसिस्टम मेंटेन हो जाएगा, एल्गी आपको दिखाई देगा, छोटे छोटे लार्वास दिखाई देंगे,
पूरा पानी आपका सड़ने लगेगा, और आप उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद आप उसको पोटेशियम परमैंगनेट से सन ड्राई करके आप उसको वॉश कर लीजिए। जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट का डोज रहेगा वो 1 to 2 ग्राम रहेगा पर 100 लीटर। अच्छे से उसको वॉश करके, साफ़ करके, सन ड्राई करके फिर आप न्यू वाटर उसमें फिल कर लीजिए, और जो भी आपका लाइव स्टॉक आने हैं उससे पहले आप अपना पीएच चेक कर लीजिए। जो आपका आइडियल रेंज 6.5 to 8.5 होगा। मेथड थ्री में ये केमिकल है आपका, जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। सबसे पहले आप उसको प्रिकॉशन लेने होंगे, आपको ग्लव्स वगैरह, शू वगैरह अच्छे से आप पहन लीजिए, क्योंकि काफ़ी एसिडिक होता है वो। तो आप उसको डाइल्यूट कर लीजिए इन वाटर, पानी में डाइल्यूट करके फिर आप अच्छे से उसको अपने टैंक को पूरा वॉश कर दीजिए, उससे सोक करने दीजिए कुछ दिन के लिए, फिर उसमें आप अपना पानी फिल कर दीजिए और उसको इसी कंडीशन में छोड़ दीजिए। तो वो क्या करेगा, आपका न्यूट्रलाइज कर देगा उसका जो भी बेसिक कंडीशन था। डाइल्यूशन के लिए प्रोडक्ट पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लीजिए, पर डाइल्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एकदम इफ़ेक्टिव है आपका, 2 से 3 दिन के बाद आप न्यू वाटर फिल करके उसका आप पीएच चेक करेंगे तो आप इजीली उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और इफ़ेक्टिव वे है ये भी आपका। मेथड फोर में क्या है कि ये भी आपका 3 से 4 दिन का है, आप जल्दी अपने लाइव स्टॉक को प्रिपेयर कर सकते हैं। मिक्स करेंगे आप 1 लीटर विनेगर, विनेगर जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सिरका बोलते हैं, 50 लीटर ऑफ वाटर में। पूरे टैंक को आप उससे अच्छे से धो देंगे, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे, और उसमें फिर आप अपना पानी फिल कर देंगे। अगले 3 दिन आप उसको इसी कंडीशन में छोड़ दीजिए, जो भी इसका केमिकल फॉर्म होगा वो पानी में आ जाएगा। उसको आप अच्छे से धो दीजिए, फिर उसमें आप नया पानी भरिए, उसका पीएच आप चेक कीजिए अपना फिश को स्टॉक करने से पहले, जो आपका आइडियल रेंज होगा 6.5 to 8.5। और आगे भी आपको इन सीमेंटेड टैंक में पीएच का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी कंसर्न हो तो प्लीज़ अपने कमेंट दीजिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हम डेफिनेटली उस पर आपको रिवर्ट करेंगे। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए आगे और भी नई जानकारियों के साथ। मैं प्रशांत गहलोत, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से, धन्यवाद।